हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस न्यूज चैनल पर सभी पल्स निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके टॉप मोस्ट कमेंट लेकर आए हैं। कमेंट सुनाने से पहले आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाए। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहला कमेंट है हमारे पास दिनेश सिंह का। दिनेश सिंह चंदेल जी का कहना है कि पल्स का पैसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं मिल पाया है। बिल्कुल सही कहा है आपने चंदेल जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अभी तक 5 साल हो गए लेकिन किसी को एक पैसा नहीं मिला, और कब तक मिलेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है शरद सिंधी का। शरद सिंधी जी का कहना है कि हिंदी में बताओ। तो शरद सिंधी जी ने आपने हमारी कोई वीडियो इंग्लिश में देख ली होगी, तो सर अब हिंदी में हम कहाँ तक आपको ट्रांसलेशन करें, बहुत लंबे मैटर होते हैं सेबी विभाग के साइडों के, तो सर हम माफी चाहेंगे। नंबर 3 हरजेंद्र सिंह। हरजेंद्र सिंह का कहना है जिन ग्राहकों का पॉलिसी बॉन्ड दफ्तर में जमा है उनके लिए अगली प्रक्रिया कब शुरू होगी। हरमेंद्र सिंह जी, जिन लोगों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनकी प्रक्रिया अति शीघ्र शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारी सेवी विभाग से बात होती रहती है और उन्होंने कहा है कि अभी कोई अपलोड ना करें, जो आपके पास रिसीव मिली है उसको कोई भी अपलोड ना करें, तो थोड़ा रुके रहें और जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी, तभी हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। नंबर 4 रमेश विश्वकर्मा। KBCL लिमिटेड का पैसा कब मिलेगा। रमेश विश्वकर्मा जी, KBCL गरीब निवेशकों का पैसा जल्द ही मिलेगा, क्योंकि हमारी सेवी विभाग से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम उनके लिए भी आवेदन आमंत्रित करने के लिए कहेंगे, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, जल्दी आपको पैसा मिलने की प्रक्रिया को चालू करेंगे सेवी विभाग। धन्यवाद। गोपी का कहना है मोदी जी से हमारी दरख्वास्त है कि निवेशकों का पैसा जल्दी दिलाए। कंपनी तो एक झटके में बंद कर दी थी लेकिन पैसा देने में 5 साल लगा दिए और अभी किसी को पैसा नहीं मिला है। गोपी चंद का बड़ा सवाल। बिल्कुल सही कहा है आपने। गोपी चंद जी ने कहा है कि एक झटके में कंपनी बंद कर दी थी, बिल्कुल सही बात है। 3 लाख कंपनियां मोदी जी ने एक झटके में बंद करा दी थी और पैसे देने की प्रक्रिया कीड़ी के समान चल रही है, तो दोस्तों अभी आपको थोड़ा और 5 साल इंतजार ना करा दें, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से धीमी गति से इन लोगों का काम चल रहा है उससे ऐसे ही लगता है कि जितनी भी कंपनियां बंद हुई उनका पैसा यानी 20 साल में मिलेगा 30 साल में, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी सारा के भी रो रहे हैं और PSL निवेशक भी रो रहे हैं, इन दो बड़ी कंपनियों के अभी तक कुछ सबको पैसे नहीं मिल पाए। अगला सवाल है चेला विवेक का कहना है कि सर प्लीज जवाब देना। चेला विवेक जी कहते हैं कि सर पैसा कब मिलेगा। चेला विवेक जी, आपका बहुत बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब हमारे पास अभी नहीं है और इस सवाल के जवाब के लिए हम आपके लिए बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि जल्दी आपका पूरा पैसा मिले और ब्याज सहित मिले। चेला विवेक जी, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अब मोदी जी जीत गए, शायद अब उनको हमारे पर्दे आ जाए, उनका कोई प्लान होगा ऐसा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी हम लोगों को पैसा नहीं दिया, तो अब शायद उनका जो प्लान नंबर 2 होगा अब वो खुलकर हमारे सामने आ जाएगी कि मोदी जी अब पैसा देने की प्रक्रिया के लिए कुछ जागरूक होते हैं या वही ठंडे बस्ते में बात पड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक बड़ी जीत के साथ मोदी जी फिर सत्ता में पधार चुके हैं और आगे देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि कुछ पैसे देने का प्रोसीजर जल्दी चालू हो जाए। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो अस्कान को दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।